एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस चीज़ के बारे में कि आफ्टर अवेकनिंग आने वाले 5 कॉमन ड्रीम्स के बारे में, जो शायद आपको भी आए होंगे और कई लोग मुझे बताते हैं और मुझे भी आए। तो कौन से हैं वो ड्रीम्स और क्यों आने लग जाते हैं इतने ज़्यादा ड्रीम्स? क्यों? क्योंकि हमारे ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं। जब हमारे ग्रह कमज़ोर हो जाता है तो हमारी ऑरा कमज़ोर पड़ जाती है, और जब हमारी ऑरा कमज़ोर पड़ जाती है तो उसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए आने लगती है। अच्छी और बुरी दोनों इस टाइम पीरियड में एंट्री लेती हैं। अच्छी एनर्जीज जो होती है, हमारे घर के जो अच्छे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, या हमारे एंजल्स हैं, या जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो क्या करते हैं कि हमें डायरेक्शन देते हैं ड्रीम के थ्रू और कई और माध्यमों से। और जो बुरी एनर्जीज होती हैं वो हमें मैनिपुलेट करती हैं, हमें फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है हमारा किसी न किसी प्रकार से। ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि ऑरा कमज़ोर पड़ गई है। तो आफ्टर अवेकनिंग आने वाले 5 वो कॉमन ड्रीम्स जो शायद आपको भी आए होंगे, जो मुझे आफ्टर हमारी जो भी ये आध्यात्मिक यात्रा जब शुरू हुई, तो किस प्रकार के ड्रीम आए? सबसे पहली चीज़, हमें एंसेस्टर्स दिखने लगे, बहुत ज़्यादा पितृ दिखने लगे। कहाँ दिख रहे हैं? ज़्यादातर गेट पर खड़े हुए या फिर विंडो के सामने। और इसके अलावा भी बहुत सारे और भी लोग हमें सपने में विंडो या दरवाजे पास खड़े हुए दिखाई दिए होंगे। हो सकता है आपको आपका ट्विन दिखाई दिया हो, या आपका कोई पर्सन दिखाई दिया हो दरवाजे के पास खड़े हुए। तो ये लोग क्या है, हमारी सबकॉन्शियसली कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ, कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं हमें, कुछ चाह रहे हैं। इसीलिए हमें एंसेस्टर्स इस तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। आई रिमेंबर, जब मेरी भी अवेकनिंग हुई थी 2018-19 के आसपास, मुझे बहुत ज़्यादा 717, 515, 616 नंबर दिखाई देता था। तब मुझे, जो मेरा पुराना घर था बचपन का, वहाँ पे मुझे हमारे घर के जो लोग जा चुके हैं वो बार बार सपने में दिखाई देते थे। वहाँ पे वो गेट पे हैं, एक दिन दिखा, दो दिन दिखा, तीन दिन दिखा, बार बार दिखते थे। बाद में मेरे को पता चला कि उनको भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको चाहिए कि हमारा भी निवारण कराओ। जो मैं कर सकती थी वो मैंने करा। तो ये पहला ड्रीम कि आपको गेट पे या आपके विंडो पे खड़े हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पे एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, और यहाँ पे जो है कुछ बुरी शक्तियाँ भी हो सकती हैं जो किसी और का रूप लेके आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या सचमुच में कोई इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी तरफ सेंड कर रहा है, तो वो भी आपको गेट पे खड़े हुए दिखाई दे सकता है। बेसिकली आपकी एनर्जी बॉडी के आसपास कनेक्टेड हैं ये सब चीज़ें। सपने में बहुत ज़्यादा टॉयलेट दिखाई देना, सपने में बहुत ज़्यादा पब्लिक टॉयलेट दिखाई देना, या वॉशरूम में से कोई, बाथरूम से कोई निकल रहा दिखाई देना, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं। प्लस है, सेक्रल की एनर्जी आपकी इम्बैलेंस है, तो सेक्रल के ऊपर काम करना है। सेक्सुअल एनर्जी इम्बैलेंस है, ठीक है? सो आपने अभी इस चीज़ के ऊपर काम करना है। सपने में खाना लगा हुआ, आप खाना खा रहे हो, कोई ना कोई एनर्जी आपको मैनिपुलेट कर रही है कहीं ना कहीं से। ये कोई स्पिरिट भी हो सकती है, ये कोई कहीं जिनको आप फॉलो करते हैं वो भी हो सकते हैं, बट कोई ना कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, इसीलिए सपने में आपको दिख रहा है कि आप खा रहे हैं, आप अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं। सपने में स्नेक्स दिखना, स्नेक्स बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, एंसेस्टर्स को, कुंडलिनी को, विजडम को, तो ये सब चीज़ें हो रही होंगी। सपने में काले कपड़े पहने लोग दिखाई देना, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कोई ना कोई नेगेटिव स्पिरिट्स कनेक्टेड हैं इसीलिए सपने में ये लोग। मेरे को पहले कोई है हमारे नोन, मुझे दिखता था कि वो कार में बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ जो है काले कपड़े वाले लोग उनको घेर के उनकी गाड़ी के आसपास खड़े हुए हैं, और सचमुच में वो इंसान अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं। वो मुझसे पहले काउंसलिंग सेशन कर दे, पर मैंने देखा कि उनकी वो नेगेटिव एनर्जीज जो काले कपड़े पहने वाले चारों तरफ खड़ी रहती हैं, वो उनके दिमाग को ऐसा कर देती है कि सामने वाले जो उनको मदद करना चाहता है उनकी तरफ जाने भी नहीं देती। तो सपने में अगर काले कपड़े पहने लोग दिखाई दें तो समझ लेना नेगेटिव स्पिरिट्स कनेक्टेड हैं। सपने में दिखाई देना कि बड़ा कॉमनली कि आप, कई लोगों ने बताया कि उन्होंने सपने में देखा कि वो स्कूटर चला रहे हैं, कई लोगों ने बोला कि हम बाइक चला रहे हैं, कई ने देखा कि हम कार चला रहे हैं। तो ये हमारी जो किस तरीके से हम काम कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में अपने ऊपर, उसी हिसाब से हमको वाहन दिखाई देते हैं। अगर हम हल्का फुल्का काम कर रहे हैं तो हमें दिखाई देता है हम लूना चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं। अगर हम नहीं चला पा रहे अपनी जर्नी को ढंग से, तो पहले मेरे को क्या दिखाई देता था शुरू शुरू में कि मैं लूना चला रही हूँ और वो चल नहीं रही है, वो अटक रही है जगह जगह पे। फिर अब मुझे, फिर बाद में मुझे दिखने लगा कि मैं स्कूटी चला रही हूँ हाईवे पे,
बहुत अच्छे तरीके से, और अब मुझे दिखता है कि मैं कार चला रही हूँ। सबकॉन्शियस माइंड गाइड करता है कुछ ना कुछ। सपने में स्कूल दिखाई देना। अब सपने में स्कूल दिखने का क्या मतलब है? सपने में स्कूल दिखने का मतलब है सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई शक्तियाँ कह रही हैं कि ये तुम्हारा लर्निंग फेस है। एग्ज़ाम दे रहे हो, लर्निंग फेस चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है तुम्हारी लाइफ का, इस टाइम को ढंग से फोकस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। तो ये कॉमन ड्रीम है जो कई बार है। तो ये कुछ कॉमन ड्रीम्स थे जो कई लोगों ने मुझे बताए। ये सारे के सपने में काले कपड़े पहने लोग दिखाई देते हैं। ये सब एनर्जी बॉडीज के साथ कनेक्टेड हैं। ये सब लोग जो हमारी एनर्जी बॉडीज हैं उसके साथ कनेक्टेड हैं। इसी की वजह से आप लोगों को इतना खिचखिच चिड़चिड़ापन लगता है। इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अपनी एनर्जी बॉडी को पूरा क्लियर करना ज़रूरी है। अपनी ऑरा को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनके इमोशंस आपको भी पकड़ेंगे। उसकी वजह से भारी भारी फील होगा। रिसेंटली मैंने सबकॉन्शियस सेशन जब करे थे तो मैंने देखा उन लोगों को, जब मैं उनके सबकॉन्शियस में धीरे धीरे लेके गई डीप में, मैंने देखा उनके साथ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी चिपकी हुई थी उनकी एनर्जी बॉडी से। कईयों ने बताया कि उनको पता नहीं काले कपड़े पहने वाले बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। कईयों ने बताया कि उनको जिन दिखाई दे रहा है। कईयों ने बोला कि देवी देवता दिखाई दे रहे हैं। कईयों ने बोला कि उनको उनके एंसेस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों ने बोला कि उनको उनके कार्मिक्स दिखाई दे रहे हैं। तो कम्युनिकेशन भी करा, उन्होंने पूछा उनसे कि क्या चाहते हैं। कई लोग बता रहे थे उनके वो जो भी थे वो कि वो क्या चाहते हैं। सो अगर ये साफ हो गया ना, हमारा एनर्जी बॉडी क्लियर हो गया ना, तो बहुत लाइट फील होगा, बहुत बहुत लाइट फील होगा, बहुत हल्का हो जाएगा। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।